चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आप सबका स्वागत है। ये समय है प्रार्थना का। आज हम प्रार्थना करने वाले हैं याकूब इसका 5:16 कहता है, सत्यनिष्ठ जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे, भारत में भारत के बच्चों के लिए मध्यस्थता करेंगे कि उनके दिमाग बुराई से बचे हुए हैं और उनके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथ को उठाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ओ रा बाबा शांतली जाला दलाबा लो ब्राला शांतली जाला बराबा शेंदली जाला दराबा लाब्रादी लाला ब्रादी लाला ब्रादी लाला ब्रादी लादी शेंगराता शाला बराबा लाब्रादी जाला बराबा जेंदा दरा बराबा 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 शेंथलाबा लागरी जा लागरी दी लाला रे 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 धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम उस हर एक बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, उस हर एक बच्चे के लिए मध्यस्थता करते हैं कि वो आपको जान रहे परमेश्वर। धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स। ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का। हुरे! तो क्या शुरू करें? अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हेलो
नमस्कार दोस्तों, ये समय है वास्तविकता संग्रह का। आज का संदेश है, आलस के लिए कोई जगह नहीं। काम काजी लोग प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी बिगाड़ में पकड़े जाते हैं। नीति वचन 12 अध्याय 24 वचन। परमेश्वर की एक संतान के रूप में बाइबल कहती है कि जो कुछ आप करते हैं उसमें आप समृद्ध होगे। भजन संहिता 1 अध्याय 3 वचन। यह पर महत्वपूर्ण वस्तु यह है कि आपको अवश्य ही कुछ करते रहना है। यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप आलसी हैं, तो वहाँ पर कोई सफलता या समृद्धि नहीं होगी। अर्थात आप आलसी होने का खर्च नहीं उठा सकते। कैसे? यूसुफ एक कैदी फिरौन के बाद मिस्र का प्रधानमंत्री कैसे बना? दूसरों की सेवा करने के लिए अपने वरदान को इस्तेमाल करने अपने वरदानों को इस्तेमाल करते हुए उसने कठिन परिश्रम किया और इसीलिए परमेश्वर ने उसे प्रमोट किया। इसीलिए यदि आप अपने विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो आपको अपने विद्यालय के काम के साथ गंभीर होना होगा। अपने शिक्षकों पर ध्यान दो, अपने नोट्स का अध्ययन करो और अपने सभी होमवर्क को समय पर करो। जैसे ही आप इन्हें करते हैं वैसे ही परमेश्वर इस बात पर ध्यान देगा कि आप सर्वश्रेष्ठ बनते हैं। वचन अध्ययन नीति वचन 13 अध्याय 4 वचन। अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते, मैं आलसी होना अस्वीकार करता हूँ। इसके बजाय मैं विद्यालय में, घर में, अपने सभी कामों में, परियोजनाओं में परिश्रमी हूँ और मैं अपने सभी कामों में समृद्ध होता हूँ। हालेलुया। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। ये समय घोषणा का, अपने हाथों को उठाकर अपने आंखों को बंद करके मेरे पीछे बोल सकते हैं, मैं अब्राहम का बीज हूँ, मैं महानता की संतान हूँ, मैं अपने दैव्य विधान में चलता हूँ, मैं हमेशा कृपा पात्र हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? कहिए, मैं आशीषित हूँ। और जहाँ कहीं पर भी आप हैं, आपके दोस्त भाई बहन जो भी आपके आसपास है, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, हाय फाय के साथ उनका स्वागत कीजिए। कहिए, आपका स्वागत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि आप उत्साहित हैं, हाँ, क्योंकि ये समय है वचन का। हालेलुया। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है, हर दिन अद्भुत अनकहा अनकही आनंद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर ने हमें हमेशा बताया है कि हमारा जीवन उस सीसॉ है ना, वो पता है गार्डन में होता है जहाँ पे एक तरफ एक बैठता है दूसरी तरफ और वो ऊपर नीचे चलता। हमारा जीवन इस झूले की तरह नहीं है। हमारा जीवन सिर्फ एक तरफ जाता है और वो है ऊपर की तरफ, महिमा। हालेलुया। इसका अर्थ है कि हमारा जीवन हर दिन परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ है, एक जीवन
विजय का प्रेस द लॉर्ड। भजन संहिता उसका 71 अध्याय और 8वां वचन देखिए क्या कहता है, मेरे मुंह से तेरे गुणगान और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे, प्रेस द लॉर्ड। ये वचन कहता है हर दिन क्या करो, पूरे दिन क्या करो, परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर के नाम को क्या दो, आदर दो, महिमा दो। और हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम हर दिन एक विजयी जीवन जीते हैं, एक जीवन विजय का। और यही कारण है कि हमारे पास हफ्ते के हर दिन क्या है, आनंद है, उत्साह है, हालेलुया, क्योंकि हम हर दिन विजय में चलते हैं। आपके पास हर दिन आनंद है क्योंकि आप हर दिन जीतते हैं। आप अपने स्कूल में अच्छे हैं, खेल में अद्भुत है, घर में हर जगह आप अद्भुत है, आप अच्छे हैं, आप बेस्ट है, आप उत्कृष्ट हैं, आप हमेशा खुश है, आनंद से भरे हुए हैं क्योंकि आप परमेश्वर के हैं। कोई दुख नहीं, कोई उदासी नहीं, अगर कुछ है तो वो क्या है, आनंद के आंसू, खुशी के आंसू। हम हर दिन मुस्कुराते हैं, हम हर दिन आनंद मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन को आनंद से भर दिया। हर दिन हमारा जीवन आनंदी जीवन है, आनंद का, खुशी का, हालेलुया। परमेश्वर भले हैं और उन्होंने हमारे जीवन को क्या कर दिया है, आनंद से भर दिया है। हो हालेलुया। जो कुछ भी हमें चाहिए जीवन जीने के लिए वो सब कुछ परमेश्वर ने अपने वचन में हमें दे दिया है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि एक विजयी आनंदी एक जीवन जीने के लिए, इस अद्भुत जीवन को जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमारी रक्षा करता है, वो एक भला परमेश्वर है, वो हमें अच्छे खाने के साथ आशीषित करता है, हमें अच्छी नींद देता है और कितना कुछ और, प्रेस द लॉर्ड। अगर हमें कुछ करना है वो ये है कि हमें परमेश्वर के वचन को जानना है। और हम कैसे जान सकते हैं, जब आप हर दिन बाइबल को पढ़ते हैं, जब आप हर दिन वास्तविकता संग्रह जो बच्चों के लिए उपलब्ध उसे पढ़ते हैं, हालेलुया। हाँ, बाइबल पढ़ना ज़रूरी है, जो वास्तविकता संग्रह बच्चों के लिए वो पढ़ना ज़रूरी है। हर दिन जब आप इन्हें पढ़ते हैं आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कितने भले, वो हमसे कितना प्रेम करते और उन्होंने हमें सब कुछ दे दिया है जो हमें चाहिए एक आनंदी और एक विजयी जीवन जीने के लिए। आपके सारे सवालों का जवाब बाइबल में है। वाओ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना, ये कितनी अद्भुत बात। और आपकी आत्मा एक कभी ना खत्म होने वाले आनंद को पैदा करती रहेगी, हालेलुया। जैसे जैसे आप वचन को जानेंगे, हालेलुया, आपके हृदय, आपका हृदय हमेशा आनंद से भरा हुआ होगा। आप परमेश्वर के एक रूम फ्रेशनर की तरह है, हालेलुया। रूम फ्रेशनर पता है आपको, वो स्प्रे आता है जो हम कमरे में जब छिड़कते खुशबू भर जाती है, हालेलुया। हम उसी की तरह है, जहाँ कहीं हम जाते हर दिन हम परमेश्वर के प्रेम ज्ञान के सुगंध को हर जगह फैलाते हैं। वाओ वाओ वाओ, हालेलुया। वो सच्चा आनंद है, खुशी है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आसपास क्या हो रहा है। अपने आसपास की चीज़ों को अपने आप को प्रभावित करने ना दे, याद रखे आपके अंदर आनंद है, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको एक आनंद दिया, एक विजयी जीवन दिया, हमेशा खुश आनंदित रहने का चुनाव करें। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो सकती है, ऐसे विचार आ सकते हैं जो आपके विश्वास को कमज़ोर करे या आपके आनंद को कम करे। नहीं, जब ऐसा होता है तुरंत उन विचारों को नकार दे और अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर ले जाए। परमेश्वर भला है, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, और आनंदित होने का, खुश रहने का मन बनाए, हालेलुया। कहिए मैं हमेशा खुश रहूँगा, मैं हमेशा आनंदी रहूँगा। आपको पता है परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ और बहुत कुछ कर सकता है जब हम एक आनंदी
खुशी का वातावरण में रहते हैं, हालेलुया, उदासी दुख इस वातावरण में पवित्र आत्मा काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक आनंदी, एक खुश, एक आनंदी वातावरण बनाए। कैसे? खुद खुश रहकर, खुद आनंदी होकर, हालेलुया। और आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा बहुत कुछ कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपना मन बनाइए कि आप हर दिन कैसे रहेंगे, खुश आनंदी हमेशा। प्रेज द लॉर्ड। कहिए, मैं हमेशा खुश और आनंदी रहने का मन बनाता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने कहा, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है जीवन, एक आनंदी, एक विजयी जीवन जीने के लिए। इसलिए आपको वचन जानना क्या है, ज़रूरी है। हर दिन क्या करना है, बाइबल पढ़ना ज़रूरी है। वास्तविकता संग्रह जो बच्चों के लिए है, उसे भी ज़रूर पढ़िए। और आज जो सिखाया है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उन्हें बताइए। हमेशा आनंदित रहना है। परमेश्वर ने हमें एक महिमा, ऊपर और आगे बढ़ने वाला जीवन दिया है। ऊपर नीचे वाला नहीं, हम एक ही दिशा में जाते हैं, वो क्या है, ऊपर। और हम हमेशा खुश रह सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस प्रोग्राम के लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ दोबारा ज़रूर देखिएगा। अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। परमेश्वर आपका आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपना दोस्त नहीं बनाया, तो ये समय है जहाँ पर आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु यीशु को अपना दोस्त बना सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जहाँ कहीं पर भी हैं, आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर, आँखों को बंद कर याद रखें, अपने मुंह से इस प्रार्थना को बोलना बहुत ज़रूरी है। और जब आप बोल रहे, इसे विश्वास के साथ बोलिएगा। चलिए मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलिएगा। प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह, जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और पिता ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं यीशु मसीह को बुलाती हूँ अपने जीवन का प्रभु और स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गई हूँ, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करती हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमेन। हालेलुया। अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की है, तो परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। हालेलुया। चलिए, समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद देते परमेश्वर हर बच्चे के लिए, हर व्यक्ति के लिए जिन्होंने अपना जीवन आपको दिया है। मैं कहती हूँ, अंधकार और शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं। यीशु प्रभु है, स्वामी है इनके जीवन का। और मैंने आशीष देती हूँ, आपके आत्मा, आपके वचन, आपके अनुग्रह, हाँ प्रभु, धन्यवाद, ये आशीषित है प्रभु, ये सुरक्षित है, देवीय स्वास्थ्य इनका है, सारी चीज़ें मिलकर इनके लिए भलाई को उत्पन्न करती है। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। और ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज से प्रभु यीशु आपके दोस्त, आपके प्रभु, आपके उद्धार करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है जहाँ पर हम अपने भेंट दे सकते हैं। अगर आप घर से ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, तो डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर है। आप अपने मम्मी पापा से बोलकर बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भी अपना भेंट दे सकते हैं। अगर आप सेंटर से देख रहे हैं, तो आप अपना भेंट सेंटर में दे सकते हैं। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा
शुद्ध और पवित्र आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद देते परमेश्वर की जैसे ही हमने दिया है, देने और ग्रहण करने का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर बढ़ता है। हमारे जीवन में कोई कमी कोई घटी नहीं होगी। लोग नाप कर दबा कर उभरता हुआ हमारे गोदों में डाल रहे हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इन भेंटों के ऊपर आपके आशीष के आवाहन को। कहते ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरत को तेजी के साथ पूरा करने के लिए। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर। और इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत मजा आया आज के प्रोग्राम से। आपने बहुत कुछ सीखा और जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, जो कुछ भी सीखा है ना, जो कुछ भी आपको बताया गया है सबको बताइए, है ना, आपके दोस्त, आपके परिवार वाले, आपके स्कूल, ट्यूशन, हर जगह सबको बताइए, है ना। और इस प्रोग्राम के लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। चलिए इस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर, आँखों को बंद करके परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। रे प्रभा साक्रल बो शांतर लबदे ओ रा बा 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 खाति अला अंतर मसीत मंद को खाति अला बसीतर लबोश कर दे। हाँ परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद आपके प्रेम, आपकी दया, आपके भलाई के लिए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हर बच्चे के लिए, हर व्यक्ति के लिए जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हाँ वचन उनके जीवन में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है प्रभु। धन्यवाद कि आपने हमें सामर्थ की आत्मा दी है, डर की नहीं। ओ हालेलुया, हम सब कुछ कर सकते हैं। ओ धन्यवाद प्रभु, मैं आपकी बुद्धि को बोलती हूँ, समझ की आत्मा इनके अंदर महान रूप से काम कर रही है। ये आशीषित है, ये सुरक्षित है, ये चैंपियंस है, ये आगे बढ़ रहे। ओ हालेलुया, इनके हाथों के हर काम सफल है, समृद्ध है प्रभु। धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद करते हो। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। मेरे पीछे इस प्रार्थना को आप बोल सकते हैं, परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। तो अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। और मैंने आपसे कहा था कि हमारा विशेष रीच आउट वर्ल्ड डे होगा। ये सुनिश्चित करो कि आप उसकी योजना बना रहे हैं। ये कुछ महीनों के बाद है, परंतु इतनी विशाल चीज की प्लानिंग करने के लिए लंबा समय लगता है। हम वास्तविकता संग्रह को लेकर जा रहे हैं पूरे विश्व में। वास्तविकता संग्रह को हर जगह, हर देश में, हर शहर में, हर गांव में, सारी बस्तियों में, ट्रेन्स में, बसेस में, स्कूलों में, हाईवेज पे और बाड़ों में, हम परमेश्वर के वचन को हर एक के लिए उपलब्ध करना चाहते हैं। और हम इन्हें दे रहे हैं उनकी भाषा में, वो भाषा जो वो अच्छे से समझते हैं। तो उसकी योजना बनाइए और उसका एक भाग बनिए। इसे समझिए, हम अरबों कॉपीज की बात कर रहे हैं पूरे विश्व में। तो बड़ी योजना बनाइए जितनी आप बना सकते हैं, यही मैं आपसे कहूंगा। इतना बड़ा करिए जितना आप बड़ा कर सकते हैं। कितनी कॉपीज आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, कितनी कॉपीज, ये आपके ऊपर है, आप चुनिए कितनी कॉपीज आप स्पॉन्सर करने वाले हैं। पर ये सुनिश्चित है कि हम पूरे विश्व में अरबों कॉपीज ले जा रहे हैं। हम 10
अरब से ज्यादा कॉपीज को देख रहे हैं। हमारे पास बच्चों के लिए है, हमारे पास टीनेजर्स के लिए है, हमारे पास वयस्कों के लिए है और हमारे पास ब्रेल वर्जन में भी है। ये बहुत ही विशाल होने वाला है। इसमें से आधी कॉपीज हम प्रिंट करने वाले हैं और आधी कॉपीज डिजिटल फॉर्मेट्स में होगी। पर आप जानते हैं कि डिजिटल फॉर्मेट्स हमेशा इससे ज्यादा हो सकते हैं, तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर वो प्रिंट कॉपी है जिसमें ज्यादा समय लगता है। यही कारण है कि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। सुनिश्चित करो कि आप प्रिंट कॉपी में निवेश कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है सुसमाचार प्रचार के लिए, बहुत जरूरी। तो चलिए इसे करते हैं, चलिए इसे करते हैं परमेश्वर के लिए। तो वो चार महत्वपूर्ण एक्शंस हैं जो आप आज और हर रोज करते हैं उस महान और महिमामय दिन तक। पहला है, हर रोज प्रार्थना करिए। जुड़िए हमारे साथ 1 बिलियन मिनट्स प्रेयर मार्च में, और यहाँ पर जुड़ने के लिए आप जा सकते हैं 1 बिलियन मिनट्स.org और हर रोज 15 मिनट प्रार्थना करिए। अपने हर मिनट को विश्व के देशों के लिए और आत्माओं के लिए जोड़ दीजिए। दूसरा, वास्तविकता संग्रह कॉपीज को सारी भाषाओं में और सारी कैटेगरीज में आप स्पॉन्सर करिए भाषा को, स्ट्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को और रीच आउट वर्ल्ड डे को। तीसरा है, जुड़ जाओ रीच आउट वर्ल्ड डे की महान वर्कफोर्स का एक सक्रिय भाग बन जाइए। वास्तविकता संग्रह को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक मिशनरी बन जाइए और बहुत सारी सेवाओं में आज ही जुड़ जाइए। चौथा है, जोड़ो। जैसे आप जुड़े हैं, आप अपने मित्रों को, परिवारों को, सहकर्मियों को, संस्थानों को हमारे साथ पार्टनर बनने के लिए जोड़ देते हैं ताकि हम वास्तविकता को पूरे विश्व में ले जाए। ये है वास्तविकता संग्रह को पृथ्वी के छोर तक ले जाना। रीच आउट वर्ल्ड की और अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या विजिट करें www.reachoutworld.org।